हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल पढ़ा था, वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा। हमारे तीन पार्ट्स अपन लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी और बहुत ही अच्छे से आपने वो सारे पार्ट्स देखे होंगे। तो हम लोग अभी बेटा जो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, जिसके अंदर हम एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सामान्य परिचय दे रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस का, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, जो कोशिका विज्ञान क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे अनुवांशिकी के बारे में। तो बेटा कल जो अनुवांशिकी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अनुवांशिकी के जो फादर हैं, फादर ऑफ द जेनेटिक्स हैं, वो कौन है, ग्रेगर जोहान मेंडल हैं, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा बहुत, मैंने इसकी इनकी हिस्ट्री आपको बताई थी कि भाई किस तरह से पूरे लाइफ लॉन्ग इन्होंने वर्क किया और अपनी जिंदगी के 8 साल जिस काम को दिए, उस काम के अंदर उनको तब पहचान नहीं मिली, लेकिन उनको जब पहचान मिली तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। और उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत तीन वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि इनके काम को पहचान दिलाई और इनको मरने के बाद, यानी कि मरणोपरांत इन्हें क्या मिला, मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके जो उत्कृष्ट कार्य था इनका, उस उत्कृष्ट कार्य के अंदर इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था। तो चलिए हम लोग आज इन्होंने हम लोगों ने पहली तो बात करी कि इनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इन्होंने करा क्या था। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने जो पादप यूज किया वो कौन सा था, मटर का था, ठीक है। इन्होंने जो पादप यूज किया वो मटर का पादप यूज किया। क्यों क्यों यूज किया मटर का पादप, उन्होंने यूज क्यों किया, क्योंकि इनके इन्होंने एक चीज देखी। इन्होंने क्या देखा कि मटर के पादप में एक खास बात है, कैसी, कि एक ही प्रजाति के अंदर 7 अलग अलग तरह के लक्षण हैं। जैसे कि मटर के पौधे लंबा भी होता है, मटर का पौधा छोटा भी होता है, मटर के पौधे के अंदर जो कलर, उसके जो फ्लावर के कलर होते हैं वो बैंगनी भी होते हैं और वो सफेद भी होते हैं। जो मटर की फलियां हैं, जो फली अपन खाते हैं, वो फलियां कैसी हैं, मतलब लंबी भी हैं और छोटी भी हैं। तो इस तरह से लगभग 7 करेक्टर्स इन्होंने उठाए और इनको, उन्होंने उन करेक्टर्स को नाम दिए कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, ठीक है, कि एक दूसरे के वैसा वर्षा, यानी कि विपरीत करेक्टर्स हैं ये, और उनको उन्होंने नाम दिया क्या, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स नाम दिया। तो इस तरह के उन्होंने 7 करेक्टर्स को चूज किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और मटर को चूज क्यों किया उन्होंने, पहली बात उन्होंने मटर को चूज ये इसलिए भी किया क्योंकि मटर जो था वो, उसकी जो, मतलब हम बहुत जल्दी उसकी बहुत सारी प्रोजेनी यानी कि उनकी संतति देख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक मटर का बीज जो है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, एक ही पादप के अंदर ये उभयलिंगी होता है, बाइसेक्चुअल प्लांट होता है, यानी कि इसके अंदर मेल पार्ट भी है और इसके अंदर फीमेल पार्ट भी है, ये बाइसेक्चुअल प्लांट भी है। दूसरी बात, हमने इसके अंदर ये भी बात करी थी कि जो मटर के पौधे जो होते हैं, यहाँ पे हम इसका इमैसिकुलेशन की हिंदी तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि इसका हिंदी वर्ड क्या होता है, मैं आपको और देख के बता दूंगी, लेकिन इमैसिकुलेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मटर के पादपों के अंदर ये द्विलिंगी होता है, ठीक है। द्विलिंगी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब इन ये क्या करते थे कि जब इन्होंने क्या कहते हैं, अगर इनको, इन्होंने क्या किया कि मेल पार्ट यानी कि जो एंथर थे, ठीक है, एंथर यानी कि क्या हो गए, पुमंग वाले भाग को अगर ये क्या करते थे, हटा देते थे, तो पुमंग वाले पार्ट को इन्होंने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को इमैसिकुलेशन कहते हैं। इसको आप हिंदी में इमैसिकुलेशन लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैसिकुलेशन प्रोसेस बोलते हैं।
तो इमैसिकुलेशन का जो प्रोसेस है, इमैसिकुलेशन की प्रोसेस के अंदर हम इसका जो मेल भाग है, फीमेल भाग के परिपक्व होने से पहले इसका जो मेल भाग है, उस मेल भाग को अगर हम हटा दें तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? इमैसिकुलेशन कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्होंने मटर को ही क्यों यूज़ किया, इसीलिए इन्होंने मटर को यूज़ किया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके अंदर कि अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब क्या होता है, जानते हो? क्रॉस कराने का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं यहाँ पे अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये आपके जब नेक्स्ट इसमें चैप्टर जब भी आएगा तो उसमें हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपके इसमें डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेंडल के जो और कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे अपने आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। अभी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा अभी इसके आप समझिए कि मैं क्या बताने वाली हूँ। समझिए, अगर देखो बायोलॉजी में आप लोगों को पता ही है, इसको हम ये क्या है, फीमेल, और ये जो है मेल, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बीच में क्रॉस कराना। क्रॉस कराने का मतलब क्या होता है, समझना इस चीज को, कि अगर उमंग को कहाँ डाल दिया, इसके वर्तिकाग्र पे डाल दिया। कहाँ डाल दिया? वर्तिकाग्र पे डाल दिया। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पुष्पी पादों में निषेचन कैसे होता है, पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने, कि मान लो कोई भी पुष्पी पादप है और उस पुष्पी पादप के अंदर ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, और ये जो होता है ये क्या होता है, स्टाइल, यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, और यहाँ पे क्या होगा, अंडाशय होगा। तो जो पुमंग आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से एक पराग नलिका बनती है, यानी कि पोलन ट्यूब बनती है, और जो मेल गैमेट होता है, यानी कि जो मेल युग्मक होता है, वो कहाँ आ जाता है, वो नीचे आ जाता है, और यहाँ पे अगर हम बात करें जो अंडाशय होते हैं वहां पे एग के साथ में क्या होता है, वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस मैन्युअली कराना, यानी कि अगर हम लोग ये प्रोसेस करा रहे हैं तो ये प्रोसेस अगर मैन्युअली हो रहा है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस कराना बोलते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। ठीक है, ओके, अब जब इन्होंने क्रॉस कराया यहाँ पे, तो क्रॉस कराने के अंदर इन्होंने कुछ रिजल्ट्स देखे। ठीक है, तो उसके आधार पे इन्होंने कुछ नियम दिए, जो भी उन्होंने रिजल्ट्स देखे थे उसी के बेसिस पे इन्होंने क्या दिए, कुछ नियम दिए, जिसमें से पहला नियम जो था प्रभाविता का नियम। क्या था पहला नियम? प्रभाविता का नियम। अब बच्चों, प्रभाविता का नियम क्या है, समझना इस चीज को। प्रभाविता के नियम के अंदर हमने एक प्लांट लिया टीटी, टीटी का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग, यानी कि लंबा, और दूसरा जो प्लांट लिया वो बोना लिया, यानी कि ये कैसा है, शॉर्ट। इन दोनों का क्रॉस कराया। ठीक है, यानी कि इन दोनों का हम लोगों ने क्रॉस कराया, तो हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन जो आई है वो कैसी आई है, लंबी आई है। कैसी आई है, लंबी, मतलब अच्छा। अब यहाँ पे दो करेक्टर होते हैं बेटा, आप लोगों को पता ही होगा कि एक तो होता है फिनोटाइप और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, जीनोटाइप, है ना। फिनोटाइप करेक्टर, यानी कि इसको हम फिनोटाइप बोल सकते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें दिखाई देता है, उस करेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है, जो जीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि पहले प्रयोग के अंदर इन्होंने ये देखा कि यहाँ पे ये लंबा था और ये छोटा था। ठीक है, अब जो यहाँ पे पौधा आया वो कैसा आया, लंबा आया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यहाँ पे रूल दिया कि जो भी जीन प्रभावी होता है आगे आने वाली प्रजाति के अंदर वो ही अपना लक्षण जो है वो दिखाता है। ठीक है, अब उनको इस चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो इन्होंने भाई यहाँ पे तो इन्होंने क्या कराया है, परपरागण कराया है, खुद से क्रॉस कराया है, यहाँ पे इन्होंने क्या कराया, स्वपरागण कराया। और स्वपरागण के अंदर इनके पास जो संतति मिली इनको वो क्या मिली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो इनको ये प्रजाति मिली थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक जो है ये तो कैसा है, प्योर लॉन्ग, प्योर लंबा है। ठीक है, दो जो है ये कैसे हैं, ये हाइब्रिड है,
और एक कैसा मिला, प्योर शॉर्ट मिला, ठीक है। तो यानी कि जो अनुपात रहेगा वो कैसा रहेगा, भाई हमको दिखने में लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं, तीन, एक दो तीन, तो दिखने वाला यानी कि जो फिनोटाइप का अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, 3:1, और जीनोटाइप में क्या हुआ कि एक तो शुद्ध लंबा, दो ये संकर और एक शुद्ध छोटा, तो जो जीनोटाइप का अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, 1:2:1। अब इस बात को तुम्हारे समझ में आई है तो ठीक है, वरना मैं इस चीज को फिर से रिवाइज करती हूँ। मेंडल ने दो पौधे लिए, कौन कौन से लिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी वाला कैसा है, लंबा पादप है, और ये वाला कैसा है, छोटा पादप है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इन दोनों ने क्या कराया, क्रॉस कराया, यानी कि मान लो कि ये वाला कैसा है, ये वाला फीमेल है और ये वाला कौन सा है, मेल है, तो इसके परागण को इसके उर्वरतिका के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद यहाँ पे जो हमें पौधा मिला, क्या कहते हैं उस पौधे का, वो पौधा कैसा था, वो पौधा था लंबा, कैसा था, लंबा, यानी कि लॉन्ग प्लांट था, ठीक है। तो भाई अगर हमने लॉन्ग और शॉर्ट का क्रॉस कराया और हमें कैसा पादप मिला, लॉन्ग मिला, तो भाई मेंडल ने ये कहा कि दोनों में से जो भी जीन, जीन के बारे में मैंने कल बताया है आपको, ठीक है, तो जो भी जीन प्रभावी होता है वही जीन क्या बनाता है, वही जीन एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस का मतलब क्या हुआ कि वही जीन आगे आने वाले प्रजनन के अंदर शो होता है, एक्सप्रेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे जब इनका स्वय परागण कराया, स्वय परागण मतलब खुद के ही जो पुतंतु थे या परागण थे खुद के ही स्टिग्मा पे गिर गए और क्या हुआ, निषेचन हो गया। तो अब इस वाले केस के अंदर हमने ये देखा कि एक तो हमें कैसा मिला, प्योर लॉन्ग मिला, दो हाइब्रिड मिले और एक कैसा हुआ, शॉर्ट हुआ। सॉरी, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप दिखने में तो तीन लंबे है ना भाई, ये भी तो लंबे में ही आएंगे ना, तो दिखने में तीन लंबे हैं, तो फिनोटाइप क्या हुआ, 3:1, और जीनोटाइप क्या हुआ, 1:2:1 का हुआ। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे छोटा सा ले लो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके बेटा, तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ ले लिया होगा। तो भाई प्रभाविता का नियम क्या है, प्रभाविता का नियम का मतलब हुआ ये वो नियम है जिसके अनुसार हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी जीन इफेक्टिव होता है, डोमिनेंट होता है, वही जीन क्या करता है, वही जीन आगे आने वाली प्रोजेनी के अंदर क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई। चलिए अब दूसरी बात, इसके बाद इन्होंने दो लॉ और दिए थे, मैं बताती हूँ आपको, ये सब आपने 11th-12th में पढ़े हुए हैं, आप लोग पढ़ के आए हो, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। अब इन्होंने अब पहले तो इन्होंने एक करेक्टर लिया, अब इन्होंने दो करेक्टर लिए, जैसे कि मान लो कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल R, स्मॉल Y, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो बीज हैं वो कैसे हैं, राउंड हैं और येलो हैं, ठीक है, और दूसरे वाले जो हैं वो झुर्रीदार हैं यानी कि रिंकल्ड हैं और कैसे हैं, ग्रीन हैं, ठीक है। अब इन्होंने दो करेक्टर को लेके क्या कराया, संकर कराया, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, यानी कि RY, और इसमें से हमें क्या मिलेगा, RY। तो अब इन्होंने जब संकर कराया तो RY, तो इसका इन्होंने क्या, मतलब ये हमको मिला, तो ये जो हमें मिला वो कैसा था, राउंड था और येलो था, ठीक है साहब, कोई बात नहीं, ये आ गया, कोई बात नहीं। अब जब इन्होंने इसका स्वय परागण कराया, ठीक है, अब यहाँ पे इसके स्वय परागण से ये बड़े हैरान हो गए, जो रिजल्ट आए यहाँ पे उससे बड़े हैरान हो गए, कैसे कि हमें कुछ तो मिले, कैसे कि राउंड के साथ में क्या मिल गए, हमें ग्रीन मिल गए, यानी कि इसके साथ में ये करेक्टर जुड़ गया, और कुछ कुछ हमें कैसे मिल गए, रिंकल्ड के साथ में कैसे मिल गए, येलो मिल गए। तो बेटा ये रिजल्ट देख के ये बड़े हैरान से परेशान से हो गए। अब उन्होंने यही चीज देख के दो नियम और दिए, एक तो हो गया आपका सेग्रीगेशन का नियम यानी कि पृथक्करण का नियम।
अब मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार जब भी युग्मक बनते हैं तो वो हमेशा अलग अलग बनते हैं, ठीक है। यानी कि ये दो युग्मक जो हैं उनपे जो करेक्टर है, उनपे जो गुण है, वो कभी भी साथ नहीं जाते हैं आगे आने वाली प्रोजेनी के अंदर, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। यानी कि जो ये वाला करेक्टर है, राउंड वाला करेक्टर, बेटा ये अकेला ही जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये येलो के साथ ही जाए। ऐसे ही जो रिंकल्ड वाला करेक्टर है ये अकेला ही जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन के साथ जाए, समझना इस बात को। तो अब यहाँ पे नए क्या बन जाते हैं, नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, और इसी को उन्होंने नाम दिया क्या, पृथक्करण का नियम नाम दिया। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो तीसरा नियम था लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन का, और तीसरा नियम था विसियोजन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, समझो इस चीज को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि पेरेंट में अगर येलो और राउंड का कॉम्बिनेशन है तो आगे आने वाली प्रजनी में भी येलो और राउंड दोनों साथ साथ रहे। नहीं, येलो के साथ क्या आ सकता है, येलो के साथ में रिंकल्ड आ सकता है और ग्रीन के साथ में राउंड आ सकता है। यानी कि युग्मक अपने हिसाब से विसियोजन करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और यही जो है यही तीसरा लॉ है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो तीसरा रूल जो है वो कौन सा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीन नियम दिए थे, किसने दिए थे, ये मेंडल ने तीन नियम दिए थे। फर्स्ट नियम जो था वो क्या था, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ द डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो उसमें जो भी जीन डोमिनेंट होता है, प्रभावी जीन जो होता है, वही अपने आप को क्या करता है बेटा, एक्सप्रेस करता है। आई रिपीट, जो भी जीन प्रभावी होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये नियम कौन सा है बेटा, ये नियम प्रभाविता का नियम है। दूसरे नियम जो है वो है आपका पृथक्करण का नियम। इसके अनुसार जब भी युग्मक बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनके जो करेक्टर्स हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका पृथक्करण का नियम। तीसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि विसियोजन का नियम। इस नियम के अनुसार जरूरी नहीं है कि जो पेरेंट की करेक्टर्स हैं, जो जो जोड़े बने हुए हैं, वही जोड़े प्रोजेनी के अंदर जाए, नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब कि जो राउंड का जो करेक्टर है वो ग्रीन के साथ में जा सकता है और जो रिंकल्ड का करेक्टर है वो येलो के साथ में आ सकता है। यानी कि स्वतंत्र अपयूहन का नियम क्या कहता है कि जो आनुवांशिक सूचना होती है, ये आनुवांशिक सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाती है, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ में मिक्स हो जाए, बिल्कुल मिक्स नहीं होती है। आपकी बुक के अंदर एक चीज दे रखी है कि आनुवांशिकता के दो एक नियम दिए गए, एक तो था फ्लूइड ब्लेंडिंग और दूसरा था डिस्क्रीट पार्टिकल्स। यानी कि फ्लूइड जैसे दो फ्लूइड को, दो लिक्विड को मिलाया जाए तो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और पता नहीं चलता कि कौन सा था। और एक होते हैं पैकेट, कि पैकेट जो है अगर छोटे छोटे से भाई थर्माकोल की बॉल्स आते हैं ना, ठीक है, अब मैंने उनमें से तीन चार कलर ले लिए, रेड ले लिया, पिंक ले लिया, येलो ले लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है। अब वो सारे के सारे मिक्स तो हो जाएंगे थर्माकोल के बॉल्स, लेकिन रेड अपना अलग रहेगा, वो कभी भी येलो में मिक्स नहीं होगा, ना ब्लू में मिक्स होगा, ना किसी और कलर में मिक्स होगा। तो आनुवांशिकता के नियम के अनुसार साफ साफ ये बात आती है कि जीन अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे वो प्रोजेनी के अंदर जाए, चाहे वो नए कॉम्बिनेशन बनाए, चाहे वो आगे जाके किस तरह से वो प्रोजेनी के अंदर, यानी कि संतति के अंदर अपने आप को किस तरह से वो एक्सप्रेस करता है, उसके लिए वो बिल्कुल फ्री रहता है। समझ में आ रही बात। तो ये उन्होंने कुछ नियम दिए थे, मेंडल ने कुछ नियम दिए थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो बेटा इनके बारे में अच्छे से पढ़ना, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके।